ये वीडियो फिजिक्स के ऊपर है, यूनिट 1 है 9th क्लास का, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज हमने इसके सारे जो हैं वो क्विज करने हैं, जो हमारे पास क्विक क्विज है ना इसके चैप्टर नंबर 1 के, यूनिट नंबर 1 के, वो आज हमने सारे करने हैं इस वीडियो में। इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कम्प्लीट देखनी है। तो सबसे पहले चले हमारे पास जो इसका क्विज जो है क्विज 1.1 है, जो पहला क्विज है इसका, ठीक है। पेज नंबर 4 के ऊपर आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 4 के ऊपर जो क्विज नंबर 1 गिवन है, 1.1 बेसिकली गिवन है, उसमें सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आपसे पूछ रहा है व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, मतलब हम फिजिक्स जो है वो स्टडी क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरी है जो है फिजिक्स को स्टडी करना। तो इसका देखें आंसर, अभी देखें मैं आप लोगों को जो है वो ज़्यादा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई हैं। अभी जस्ट मैं आप लोगों को आंसर लिख के दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो और एग्जाम में आपने कैसे लिखना है वो आपको बताऊँगा। तो इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, मतलब जो फिजिक्स होती है ना वो क्या करती है, वो बेसिकली मैटर एनर्जी को डील करती है, स्टडी करती है, फिर उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन हो रहा होता है बिटवीन एनर्जी एंड मैटर उसको भी डील करती है, स्टडी करती है। अभी हमारी लाइफ में हर चीज़ जो है वो इन चीज़ों से जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है, हमारी जो लाइफ है, वो हर चीज़ जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हो गया कि विदाउट फिजिक्स हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो ज़रूरी। तो आप लिखेंगे फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू दीज, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड है जिनको फिजिक्स जो है वो डील करती है, इसलिए फिजिक्स का स्टडी करना, फिजिक्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका जो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास वो देखें क्विज 1.1 का, उसमें आपसे पूछ रहे हैं नेम द 5 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की कोई भी 5 ब्रांचेज जो आपने बतानी है, आप कोई भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसका आंसर में लिख सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स, इसके आप लिख सकते हैं प्लाज्मा फिजिक्स, आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, आप लिख सकते हैं जियो फिजिक्स, आप लिख सकते हैं मैकेनिक्स, हीट, ऑप्टिक, आप जो भी लिखना चाहें, आपने 5 ब्रांचेज जो है आपने लिखनी है। आपकी बुक के अंदर जो है वो बहुत सारी ब्रांचेज इसकी गिवन है, तो उसमें से कोई भी आपने 5 जो है वो इसके आंसर के अंदर लिखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो क्विज हमारे पास 1.2 है पेज नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 7 के ऊपर जो सेकंड क्विज गिवन है, मैंने 1.2 लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट रेफरेंस के लिए कि पहले चैप्टर का सेकंड क्विज है, ठीक है, और पेज नंबर 7 के ऊपर ये गिवन है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछ रहा है वो है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, बेस और ड्राइव क्वांटिटी को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप लिखेंगे जो बेस क्वांटिटीज होती है ना बेसिकली वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये किसी से ड्राइव नहीं की जाती, लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटी होती हैं वो हमारी बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं, ठीक है, थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। आप लिखेंगे बेस क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज अपॉन विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी हमारी कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मेन क्वांटिटीज हैं, जो बाकी दूसरी क्वांटिटीज होंगी वो इन बेस क्वांटिटीज की वजह से एक्सप्रेस की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस क्वांटिटी में हमारी लेंथ है, मैस है, टाइम है और बाकी भी हैं, ठीक है, अब 3 एग्जाम्पल काफ़ी होती हैं। वाइल ड्राइव क्वांटिटीज आर ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज बाई मैथमेटिकल कम्बिनेशन लाइक वॉल्यूम, स्पीड एंड एरिया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं। जब हम कोई कम्बिनेशन करते हैं ना, मैथमेटिकल कम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो हमारे पास निकलती हैं वो होती हैं ड्राइव क्वांटिटी, लेकिन उसके अंदर भी हम लोग बेस क्वांटिटीज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका वॉल्यूम है, स्पीड है, एरिया है, किसी को भी ले लें आप लोग, तो आपके पास जो है वो बेस क्वांटिटीज ही यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन उनके कम्बिनेशन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो ड्राइव क्वांटिटी आप ड्राइव करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स जो आपने इसके अंदर लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई बेस क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग, आप वो कुछ दे रहे हैं हमको और कह रहे हैं कि यहाँ से बेस क्वांटिटीज जो है वो फाइंड करें। तो इसमें सबसे पहले वो आपको दे रहा है स्पीड, फिर दे रहा है एरिया, फिर दे रहा है फोर्स और आखिर में दे रहा है डिस्टेंस। अब इसमें देखें हमारे पास तो बाहर हमको जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो बेस हो, लेकिन जो डिस्टेंस होता है ना बेसिकली वो क्या होती है, लेंथ ही होती है। डिस्टेंस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस होता है, मतलब बेसिकली लेंथ होती है जो एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम डिस्टेंस जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए बेस क्वान्टिटी, स्पीड तो नहीं होती, ठीक है। स्पीड इसकी जो है वो बेस नहीं होती, वो ड्राइव होती है, एरिया भी ड्राइव होता है, फोर्स भी ड्राइव होती है, ये तीनों जो है वो कम्बिनेशन होता है बेस क्वान्टिटीज़ का। लेकिन डिस्टेंस एक ऐसी यहाँ पर नज़र आ रही है हमको, नंबर 4 पॉइंट जो नज़र आ रहा है, जो कि बेस क्वान्टिटी कंसिडर किया जा सकता है। तो आप इसमें लिखें डिस्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज बेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज इक्वल टू द लेंथ एंड इट्स यूनिट इज मीटर, इसका यूनिट भी मीटर होता है, जो लेंथ का होता है ना, लेंथ बेसिकली आपकी बेस क्वांटिटी होती है, तो डिस्टेंस भी बेसिकली लेंथ ही होता है। तो आप उसको कहेंगे कि
distance can be considered as base quantity because it is equal to the length and its unit is meter. इसकी unit भी meter होती है, length की unit भी meter होती है, ठीक है. तो only distance is the option we can say, we can consider it as a base quantity. हमारे पास जो इसका part number 3 है, हमारे पास यहाँ पे उसमें आपसे पूछ रहा है identify the following as base or derived quantity. अब फिर हमको कुछ दे रहा है और कह रहा है कि यहाँ से अपने base भी निकालनी है और derived quantity भी निकालनी है. तो डेंसिटी दे रहा है, फोर्स दे रहा है, मास दे रहा है, स्पीड दे रहा है, टाइम दे रहा है, लेंथ दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है एंड वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है. आपको पता है ना कि जो बेस क्वांटिटी है हमारे पास सिर्फ 7 हैं और बाकी जो है वो सारी क्या हैं, हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज हैं. तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो बेस क्वांटिटीज आर लेंथ, लेंथ हमारी बेस क्वांटिटी होती है, मास हमारी बेस क्वांटिटी होती है, टाइम हमारा बेस क्वांटिटी होता है, टेम्परेचर हमारा बेस क्वांटिटी होता है, यहाँ पे जो गिवन है उसके अंदर, ठीक है. इसके अलावा जितनी भी है वो सारी ड्राइव्ड हैं, मतलब डेंसिटी भी ड्राइव्ड है, वॉल्यूम भी ड्राइव है, स्पीड भी और फोर्स भी जो है वो ड्राइव्ड है. ये मतलब बेस क्वांटिटीज की मैथमेटिकल कम्बिनेशन से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो निकलती हैं. आपको पता है ना फार्मूले लगते हैं, जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनका फार्मूला नहीं होता, वीट सिर्फ एक ही होती है, लेकिन जो ड्राइव्ड होती हैं वो फार्मूले लगाकर हम लोग जो है वो उनको निकालते हैं, जिस तरह डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, ठीक है, ये सारी फोर्स मसलन फॉर एग्जांपल फोर्स इक्वल टू एम ए होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है. तो इस तरीके से जो है वो फिर एक्सेलरेशन आगे मजीद जो है वो डिफरेंट बेसिस के साथ उसका कम्बिनेशन हुआ होता है, तो इसलिए ये सारी क्या होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं. तो आपने इसको इस तरीके से जो है वो लिखना है. इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका क्विज 1.3 है, पेज नंबर 8 के ऊपर, आपकी बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर जो क्विज गिवन है 1.3 थर्ड क्विज फर्स्ट चैप्टर का, उसमें जो पार्ट नंबर 1 आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है. अब इसका आंसर क्या लिखें, अब उसने आपसे पूछा है कि 5 प्रीफिक्सेस लिखने जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है. तो आप कोशिश करें कि जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं ना वो लिखें, ठीक है. लेकिन अगर आप मिस भी कर दें और ऐसा लिख दें जो कॉमनली यूज नहीं भी होता तो मसला नहीं होने वाला, लेकिन आप कोशिश करें कि जो भी मैं आप लोगों को 5 यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ वही आप लोग जो है वो लिखें. देखिए हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, अपने आपने लिखना है कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस आर, हम मेगा यूज़ करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम, ठीक है. अपने सिंबल भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इसकी जो है पावर होती है 10^6. इसके अलावा हम किलो यूज़ करते हैं, इसका सिंबल के होता है स्मॉल के और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10^3. डेसी यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10^-1. सेंटी सी 10^-2. मिली एम 10^-3. ये मोस्टली हमारे पास प्रीफिक्सेस जो है ना वो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है. तो आप कोशिश करें कि आप यही 5 जो हैं वो लिखें, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल भूल जाते हैं या कुछ और मसला हो जाता है और आप कोई और लिख देते हैं तो उसका भी आंसर जो है वो लोग ठीक ही कंसिडर करेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि आप यही 5 जो हैं वो लिखें क्योंकि उसने यूज़ किया वर्ड मोस्ट कॉमनली यूज़, ठीक है. तो यही मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं. इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें वो पूछ रहा है आपके द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस. अब वो कह रहा है कि जो सूरज है हमारा वो 150 मिलियन किलोमीटर ज़मीन से दूर है, तो इसको हमने लिखना है. सबसे पहले वो कह रहा है एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर, फिर वो आपसे कह रहा है इन साइंटिफिक नोटेशन. पहले आपने लिखना है ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है, फिर आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसको, ठीक है. तो उसका आंसर देखें, पहले ऑर्डिनरी होल नंबर में लिख लेते हैं. सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए वो डिस्टेंस है कितना, तो है 150. ऑर्डिनरी होल नंबर में अभी पहले लिखेंगे तो लिखेंगे 150 मिलियन किलोमीटर. उसने कहा है 150 आगे मिलियन आगे किलोमीटर. अब देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इसको हमने जब ऑर्डिनरी नंबर में लिखना है तो हमने इसको जो है वो ये मिलियन ख़त्म करना है, किलोमीटर ख़त्म करना है, हमने इसको मीटर में लिखना है क्योंकि जो हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है वो होती है मीटर, ठीक है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो मीटर होती है, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो मिलियन देखें, मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है. इसमें 6 जीरो होती हैं, आपको पता होना चाहिए मिलियन के अंदर 6 जीरो होती हैं, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन. किलोमीटर के अंदर जो है वो 1000 मीटर होते हैं, ठीक है. तो 1000 के अंदर 3 जीरो होती हैं, इसका मतलब है कि 150 तो ऐसे ही आएगा, मिलियन की जगह पे मैं 6 जीरो लगाऊंगा और किलोमीटर की जगह पे मैं 3 जीरो लगाऊंगा. तो इसको देखें मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 150 मल्टीप्लाई बाय 10^6 मल्टीप्लाई बाय 10^3 मीटर. मिलियन के अंदर कितनी मैंने आपको बोला जीरो होती है, 6, तो इसका मतलब 10^6 हो गया. किलोमीटर के अंदर आपने मैंने बोला है 3 जीरो होती है, तो 10^3 हो गया. अब इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 150 आगे 6 जीरो मिलियन की, फिर 3 जीरो जो है मेरे पास किलोमीटर की और आगे एंड पे मीटर जो है वो उसकी यूनिट आ जाएगी. तो इस तरीके से आपने जो है इसका आंसर लिखना है. नेक्स्ट देखिए हमारे पास, हमने इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है. तो सेकंड हमारे पास पार्ट क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब इस वाली वैल्यू को अभी हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके आना है. तो देखिए हमारे पास 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो मैंने लिख दिया ऐसे, 150 आगे कितनी हमारे पास जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ये किलोमीटर वाली होगी और ये 6 जो है ये मेरे पास मिलियन वाली होगी. इसको मैंने कैसे लिखना है, देखिए हमारे पास मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर के अंदर. अब मैंने इसको
पावर में लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट है एंड पे, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके जाना है वन के बाद, तो 1.5 लिखूंगा, फिर देखूंगा कि ये मेरा जो पॉइंट है कितने डिस्टेंस आगे से ने ट्रैवल किया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसने ट्रैवल किया। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 11 मीटर। ठीक है, तो जितना पॉइंट मैं यहाँ से मूव करूँगा इधर, ठीक है, फर्स्ट हमने जो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसके बाद हमने पॉइंट लेके जाना होता है। तो जितने पॉइंट मैं यहाँ से इधर मूव करूँगा वो 10 रेज़्ड पावर बन जाएगा। अभी मैंने 11 मूव किया तो 10 रेज़्ड पावर 11 यहाँ पे बन गया, और साथ में जो है मीटर इसकी यूनिट ऐसी आ रही है। तो ये क्या इसका साइंटिफिक नोटेशन का जो है वो आंसर होगा। अब हमारे पास देखें पार्ट थ्री, उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमको वो कुछ नंबर दे रहा है और उनको कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इस तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, अब देखें पॉइंट अगर यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा पॉइंट जो वो राइट टू लेफ्ट हम मूव करवा रहे हैं, तो फिर जो पावर होती है ना 10 रेज़्ड टू पावर जो होती है वो प्लस आएगी। लेकिन अगर हम पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहे होंगे तो फिर हमारी जो पावर आएगी 10 की वो माइनस में आएगी, क्योंकि जो वैल्यू होगी बहुत छोटी होगी। ठीक है, तो आपने बस ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है। इसका जो आंसर पार्ट वन है हमारे पास, उसमें वो देखें वैल्यू दे रहे हैं 3000000, मतलब 90 दे रहे हैं और आगे मीटर पर सेकंड जो है वो दे रहे हैं। अभी देखें इसका पॉइंट यहाँ पे है, जैसे इधर इधर मैंने आपको बताया ना, इसका पॉइंट यहाँ पे, इसको हमने लेके जाना है 3 के बाद। ठीक है, तो ये कितने डिजिट मूव किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 डिजिट जो है वो मूव किया। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वैसे ही आ जाएगी, उसकी यूनिट जो होगी वो साथ में वैसे की वैसी आ जाएगी। अब इसकी पावर जो है वो प्लस में है, क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट जो है वो डिजिट को, पॉइंट को जो है वो मूव करवाया। नेक्स्ट वैल्यू देखें वो 6400000 मीटर। ठीक है, अब इसमें जो है वो पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमने मूव करवाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 डिजिट हमने इसको मूव करवाया, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आंसर लिखने। अब नेक्स्ट देखें उसमें 0.000016 ग्राम इक्वल्स टू, अब इसमें देखें हमारे पास ये पॉइंट है, इसको मैंने ये 1 के बाद लेके जाना है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये मूव हुआ है, जिसका मतलब है 10⁻⁹ आएगा, लेकिन 9 प्लस आएगा क्या माइनस आएगा। अब ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, जिसका मतलब है कि इसकी जो पावर होगी 10 की पावर होगी वो -9 में आएगी। तो मैं इसको लिखूंगा 1.6 × 10⁻⁹ ग्राम। ठीक है, तो इस तरह का आपने याद रखना है कि अगर आपने पॉइंट लेफ्ट टू राइट लेके जाना है तो आपने माइनस में आंसर देने। अगर वो आपसे पूछ रहा है 0.000548 सेकंड इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा 5.48 × 10⁻⁵ सेकंड। अब आपने पॉइंट कितना मूव करा, ये यहाँ पे पॉइंट है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हमने इस पॉइंट को जो है वो डिजिट मूव करवाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए पावर क्या आ गई -5, तो 5.48 × 10⁻⁵ सेकंड। तो इस तरीके से आपने इनको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, अगर वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछेगा तो। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो जो हमारे पास क्विज 1.4 है आपकी बुक के पेज नंबर 12 के ऊपर, वो कर लेते हैं। इसमें जो आपसे वो पार्ट नंबर 1 इसमें पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो तो मैंने वहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर का जो स्ट्रक्चर है वो सारा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैंने उसमें बताया था उसके लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ उसके बारे में मैंने बताया, तो वो आपसे पूछ रहा है कि उसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का, वो 0.1 mm या 0.01 cm होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लीस्ट काउंटर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm और 0.01 cm। अब इसके बाद जो है वो पार्ट नंबर 2 इसका, उसमें वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यूज इन फिजिक्स लेबोरेटरी। हमारी जो फिजिक्स लेबोरेटरी में यूज होता है ना वर्नियर कैलिपर, उसकी रेंज आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्या है। ठीक है, अगर आपने लेबोरेटरी का विजिट किया तो आपको पता होगा कि वर्नियर कैलिपर वहां पे पड़ा होता है, उसकी क्या रेंज होती है, वो कहां तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज इन फिजिक्स लेबोरेटरी 12 cm। जो हमारी लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर यूज हो रहा है उसकी जो रेंज होती है वो 12 cm होती है। ठीक है, तो 12 cm तक जो है वो किसी चीज को भी मेजर कर सकता है। पार्ट नंबर 3 आपसे वो पूछ रहा है हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिविजन जो है वो होती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे वर्नियर स्केल इज 10 डिविजन्स ऑफ इट सच दैट ईच ऑफ डिविजन इज 0.9 mm। उसके ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं, जो वर्नियर स्केल होता है ना उसके अंदर जो छोटा होता है उसके ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं, और हर डिविजन जो है वो 0.9 mm की उसकी जो है वो होती है लेंथ होती है, उसकी मतलब रेंज होती है बेसिकली उसकी 0.9 mm।
अब इसके बाद पार्ट नंबर फोर में देखें, वो आपसे पूछ रहा है व्हाई डू वी यूज जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता होता है, उसका आंसर में आप लिखेंगे जीरो करेक्शन इज यूज टू गेट करेक्ट एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो जीरो करेक्शन बेसिकली इसलिए यूज की जाती है ताकि हमारी अगर कोई थोड़ी बहुत वैल्यूज में ऊपर नीचे आ रहा है तो उसको जो है वो करेक्ट करे और एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है हमको वो प्रोवाइड करे। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो क्विज 1.5 है आपकी बुक के पेज नंबर 15 के ऊपर, उसमें वो आपसे पार्ट नंबर वन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। अब वो स्क्रू गेज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, जो 1.5 क्विज है वो स्क्रू गेज के बारे में और जो 1.4 है वो आपका वर्नियर कैलिपर के बारे में है। अब इसमें वो आप लीस्ट काउंट जो पूछ रहा है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये उससे छोटा उसकी वैल्यू वाला होता है, तो आपने ये इस तरीके इसको जो है लिखना है। पार्ट नंबर टू में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द पिच ऑफ योर लेबोरेटरी स्क्रू गेज। जो आपका स्क्रू गेज होता है लेबोरेटरी के अंदर, फिजिक्स की लेबोरेटरी के अंदर, उसकी पिच क्या है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पिच ऑफ लेबोरेटरी स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। तो इसकी पिच होती है 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट नंबर थ्री आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ योर लेबोरेटरी स्क्रू गेज, उसकी रेंज क्या है, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ लेबोरेटरी स्क्रू गेज इज 100 मिलीमीटर। तो उसकी रेंज कितनी होती है, 100 मिलीमीटर होती है। इसके बाद देखिए हमारे पास पार्ट नंबर फोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज एंड वाई, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों में से कौन ज़्यादा प्रिसाइज है और क्यों है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज है या स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए हमारे पास आप लिखेंगे स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज। स्क्रू गेज क्यों मोर प्रिसाइज होता है, क्योंकि उसकी जो मेजर लेंथ मेजर करता है ना वो 0.001 सेंटीमीटर तक उसकी जो एक्यूरेसी है वो उसको कर सकता है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर तक जो है उसकी एक्यूरेसी होती है उसकी। तो आपने इसको जो है ना वो ये याद रखना है, इनकी जो बेसिकली लीस्ट काउंट होता है ना दोनों का, अब जो स्क्रू गेज होता है उसका लीस्ट काउंट जो है वो छोटा है कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर से, इसलिए जो है स्क्रू गेज की जो मेजरमेंट होती है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है, क्योंकि वो ज़्यादा बारीकी में जाकर बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ को भी जो है वो मेजर करने की कैपेसिटी जो है वो रखता है। तो आपने लिखना है स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज बिकॉज इट मेजर्स लेंथ विद एक्यूरेसी ऑफ 0.001 सेंटीमीटर कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर होता है वो 0.01 सेंटीमीटर तक उसकी जो एक्यूरेसी होती है और स्क्रू गेज की 0.001 सेंटीमीटर होती है, इसलिए स्क्रू गेज होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से आंसर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो आपका क्विज 1.6 है आपका पेज नंबर 16 के ऊपर गिवन है, उसमें जो पार्ट नंबर वन आपसे वो पूछ रहा है वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज इन अ फिजिकल बैलेंस। अब फिजिकल बैलेंस है उसके बारे में वो जो आपका क्विज नंबर 1.6 है पेज नंबर 16 उसके अंदर जो आपसे पूछ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि जब हम स्क्रू को बैलेंस करते हैं फिजिकल बैलेंस के अंदर तो उसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, बैलेंसिंग स्क्रूज इन फिजिकल बैलेंस आर यूज टू ब्रिंग पॉइंटर एट जीरो पॉइंट टू अवॉइड जीरो एरर इन मेजरमेंट। मतलब हम क्या करते हैं उसको, इसलिए हम बैलेंस करते हैं स्क्रूज को ताकि जो उसका पॉइंटर है वो जीरो पॉइंट के ऊपर आ जाए, ताकि हमारे पास कोई जीरो एरर जो है जब हम मेजर करते हैं कोई भी, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास जो जीरो एरर है उसको अवॉइड किया जा सके, इसलिए हम उनको स्क्रूज को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। ठीक है, टू अवॉइड जीरो एरर इन मेजरमेंट, तो आप ऐसे लिखेंगे बैलेंसिंग स्क्रूज इन अ फिजिकल बैलेंस आर यूज टू ब्रिंग पॉइंटर एट जीरो पॉइंट। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, वो जो पॉइंटर होता है उसको जीरो पॉइंट के ऊपर लाने के लिए उन स्क्रूज को जो है वो बैलेंस करते हैं, ताकि हमारे पास जो जीरो एरर है मेजरमेंट के दौरान उससे बचा जा सके, उसको अवॉइड किया जा सके। तो नंबर सेकंड में आपसे देखें, आपसे पूछ रहे हैं ऑन व्हाट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड व्हाई। जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कौन से पैन के ऊपर जो है वो प्लेस किया जाता है, ठीक है, और क्यों ऐसे किया जाता है। तो आप लिखेंगे इसका जरा पॉलिटिकल आंसर, आप लिखेंगे वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट पैन। अब जो देखें हमारा पैन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो लेफ्ट पैन के ऊपर जो है वो प्लेस किया जाता है। इस तरह क्यों किया जाता है, वी हैव टू फाइंड द मास बाई कंपेयरिंग हिज मास विद स्टैंडर्ड मास ऑन द राइट पैन। अब राइट पैन के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मास रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी है, हम वो राइट पैन के ऊपर रखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको हम लेफ्ट पैन के ऊपर रखते हैं फिजिकल बैलेंस के अंदर, ताकि हम जो है वो करेक्ट जो मास है वो फाइंड किया जा सके उस ऑब्जेक्ट का। तो आप इसको डायरेक्ट पॉलिटिकली इसको स्टेटमेंट किया जो आंसर देने आपने, आप लिखेंगे वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट पैन, यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मास बाई कंपेयरिंग हिज मास विद स्टैंडर्ड मास। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करने के लिए हम क्या करना है, हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड मास के साथ, और स्टैंडर्ड मास हम कहाँ पे रखते होते हैं, राइट पैन के ऊपर रखते हैं फिजिकल बैलेंस के अंदर। तो आपने ये जो है वो ये स्टेटमेंट जो है ऐसे इसके अंदर लिख देनी है इसके आंसर के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।